मेरे लिए बहुत मुश्किल है कुछ कहना। मैंने इतने सारे लोग पहली बार स्टेज पे देखे हैं, तो इतने सारे लोगों से कैसे बात करना, मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं जो कहनी जरूरी हैं। एक तो मैं मराठी हूँ, कोंकणी हूँ, आणि जर मी कोकणीत बोलला तर तुमच्या लोकांना समजा येईल, कारण आमची कोकणी मराठीची थोडी अलग आहे, पण मराठीच मराठी सारखीच आहे। म्हणजे माझ्या आईलाच खाली कोकणीच येत होती, आणि माझ्या बाप्पालाच पण कोकणीच होते, आम्ही घरात कोकणीतच बात करतो। बाहेर मी जाऊन उर्दू शिकलो, आणि मग उर्दू मिडियमच्यात गेल्यावर उर्दू लिखूला लागलो। पण माझा मोठो भाऊ आणि माझी बहीण ती अजून मराठीतच पडले शिकलेली आहेत, आणि ती मराठीच बोलतात, आणि आम्ही घरात कोकणीच बोलतो। आणि ही आपली एक महाराष्ट्राची पद्धत आहे, ही आपलं एक कल्चर आहे। इथे मी आईले मला माहिती पडला मराठीची, इथे पण एक शकल आहे आयरीनी बोलताना तुम्ही लोक, आणि ती पुण्यावाल्याला ती अलगच वाटेल, तशी आमची कोकणी तुम्हाला अलग वाटेल। पण जरा तुम्हाला खाली कोकणी तो टच दाखवण्यासाठी, आणि एक महाराष्ट्राची आपल्या मातीची जी खुशबू आहे, जी कोकणातली आणि कोकणाची आमची हापूसची खुशबू तर तुम्हाला माहिती आहे, तशीच आमच्या कोकणीची खुशबू आहे। लेकिन आज एक और बहुत ही अहम वाकया मेरे साथ हुआ है मेरी जिंदगी में, जो 5-6 इम्पोर्टेंट मेमोरीज हैं, मुझे लगता है उसमें से एक होगा। और वो ये है कि जो पालकी निकली थी उसको मुझे कंधा देने का मौका मिला। और ये जो पालकी थी ये किसी धार्मिक ग्रंथ की नहीं थी, ये संविधान की। अब संविधान क्या है ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन संविधान पर जो पालकी चली है आज हमने उसे कंधा दिया है। याद रखना, एक दिन उस संविधान को बचाने के लिए आपको अपनी छातियों के और गोलियां भी खानी पड़ेगी, क्योंकि वो संविधान जो है और उसकी जो आत्मा है वो आत्मा ये है, आजादी, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी, जो हमारा संविधान हमें देता है। और यह आजादी हमसे कौन छीनना चाहता है यह आपको पता है। तो जब हम पर हर तरह से हमारे बोलने पर, सोचने पर, देखने पर, स्टेज ड्रामा करने पर, फिल्म बनाने पर, नॉवेल लिखने पर जो पाबंदियां लगाई जाएंगी, तो उससे पहले उनको इस संविधान में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जब वो ऐसा करने आएंगे तो हमको सबको ये सोचना होगा कि हमारे कंधे पर ये संविधान और हमारी छाती के अंदर ये संविधान है, और जब तक हम इसको बचाएंगे हम भारत की आत्मा को बचाएंगे, हम उसको बचाएंगे। लेकिन विडंबना दूसरी है, अब मैं उस पर आता हूं। 2004 में महाराष्ट्र असेंबली में आरआर पाटिल जब होम मिनिस्टर थे तो मेरे खिलाफ कमीशन बैठता है मेरे पहले नॉवेल पर। और जब पहला नॉवेल मेरा छपा था तो मैं अंजुमन इस्लाम नाम के एक बहुत बड़े माइनॉरिटी कॉलेज में पढ़ाता था, जूनियर कॉलेज। तो बहुत सारे मौलाना, और आप जानते हैं मौलाना किसे कहते हैं, जिसका अपना एक अपनी धार्मिक विचारधारा होती है, और हर आदमी को हक है कि वो एक धार्मिक विचारधारा रखे। लेकिन जब आपकी धार्मिक विचारधारा मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को खत्म करना चाहती है तो क्लैश शुरू होता है। तो एक और मिनिस्टर थे आरआर पाटिल, और हमारे बहुत सारे मौलानाज, इंग्लिश में उनको मौलानाज बोलने का मजा ही कुछ और है, ये सब इन्होंने मीटिंग्स लिया, बहुत कुछ हुआ, और हमारा उर्दू न्यूज़पेपर बहुत एक्टिव था। इट रन्स कैंपेन लाइक एनीथिंग, मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत कैंपेन की। यानी जितना एक नौजवान लेखक को जितना बदनाम कर सकते हैं, अगर आपको सीखना है तो आपको उर्दू अखबार पढ़ना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि फिर पुलिस में FIR दर्ज हुई। एक दिन सुबह 5 बजे पुलिस मेरे घर पर आई, आई वॉज इन टू आर्थर रोड जेल, जॉब से मुझे रिजाइन देना पड़ा। ये सब इसलिए हुआ कि मेरे नॉवेल के अंदर कुछ पोर्शन ऐसा था जो मुस्लिम सेंसिबिलिटीज को मंजूर नहीं था। अब मुस्लिम सेंसिबिलिटीज, हिंदू सेंसिबिलिटीज, क्रिश्चियन सेंसिबिलिटीज, सारी सेंसिबिलिटीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन दूसरे की आजादी को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रॉब्लम यहां शुरू होता है। 10 साल के बाद वो केस कोर्ट में खत्म हुआ, और मेरे नॉवेल पर जो इल्जाम लगा था वो भी खत्म हुआ। लेकिन इस सफर में मैंने सीखा एज अ राइटर
as a Marathi writer, as a Urdu writer, as an Indian writer, as a writer who belongs to everything, everybody, के बहुत सारे forces हैं within communities जो constitution की आत्मा के खिलाफ है, जो आपकी basic freedom, सोचने की freedom है उसके खिलाफ है। मुझे नहीं लगता है कि कोई किताब, कोई ड्रामा किसी को हर्ट कर सकता है। आपके पास आजादी है उसे नहीं देखने की, नहीं पढ़ने की, आप अपनी आजादी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एक फिल्म पर अगर आपको आपत्ति है, मत देखो, किसने कहा आपको देखो, लेकिन आप ये कहोगे कि इस देश में ऐसी फिल्म नहीं बनेगी तो आप इस देश को पाकिस्तान बनाओगे, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान नहीं बनाओगे। तो हमको तय करना है कि हमको अपने देश को, जिसके पास एक जबरदस्त दुनिया का संविधान है जो हर तरह की आजादी को कबूल करता है, उस संविधान ने जो हमको सारे अधिकार दिए, आहिस्ता आहिस्ता के हमें वो अधिकार कम करके हमको अपने कंट्री को सऊदी अरबिया, बर्मा और पाकिस्तान और दूसरी जो तबाह हाल कंट्रीज हैं, इराक, सीरिया, इनकी तरह बनाना है। तो भारत का जो मॉडल है वो मॉडल जब तक उसकी आत्मा के साथ रहेगा, आजादी के साथ रहेगा, बोलने और सोचने की आजादी के साथ रहेगा, मुझे लगता है हम आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी बात, सामे गुरुजी से आपका भी गहरा रिश्ता है, इस शहर का गहरा रिश्ता है, मराठी साहित्य का गहरा रिश्ता है, और आज उनकी जो एक, उनकी जो कविता से जो एक लाइन निकली है उस पर हम मिल बैठ कर बातें करना चाह रहे हैं, और वो ये है कि इंसानियत हमारा धर्म है, बल्कि इंसानियत ही सबका धर्म है। तो सोचना ये चाहिए कि इंसानियत ही जो धर्म है, और उसके अलावा जितने धर्म है, मेरा तो अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो आदमी ने बनाए हैं। आदमी बुनियादी तौर पे एक जानवर है, और मुझे ऐसा लगता है जितने जानवर हैं उनमें सबसे खतरनाक जानवर आदमी है, और ये इतना खतरनाक जानवर है कि ये दूसरे जानवरों को भी खाता है और अपने जैसे दिखने वाले जानवरों को भी खाता है। तो इस आदमी ने, और इसकी जो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, कि ये तो हमारा इतिहास है मानव जाति का इस प्लैनेट पर, वेदर इट इज इन अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ एशिया, ये एक ही आदमी है, एक ही इंसान है जो इस प्लैनेट पे, एक प्रजाति होती है जैसे किसी एनिमल की, वैसे ही हमारी एक प्रजाति है। लेकिन फिर जब इस आदमी ने सोचना और बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया, और ये इसका जो स्ट्रगल, ये 10,000 वर्षों से ज्यादा का नहीं है, 7,500-8,000 वर्षों में लिपि आई है सारी भाषाओं की, जिसके बेसिक जो हमको ट्रेसेस मिलते हैं, तो 10,000-15,000 वर्षों में इंसान ने जिस तरह से अपना दिमाग इस्तेमाल किया है, तो इंसान ने पहला ये काम किया कि वो दूसरे इंसान को भी अपना गुलाम बनाए। और धर्म का जो एक, धर्म की जो एक ऊपर जो जड़ है, जो बीच है, वो आदमी की ये ख्वाहिश है कि मैं दूसरे आदमियों को अपना गुलाम बनाऊं। और धर्म जब भी आया है, वो जहां पर भी आया है, चाहे वो 100 लोगों के लिए, 200 लोगों के लिए, 10,000 लोगों के लिए, वो हमेशा पॉलिटिकल पावर की बैकिंग लेकर आया, और पॉलिटिकल पावर को प्रोलोंग करने के लिए आया है। जितने भी धर्म है, और आप उन सबकी स्टडी करके देख लीजिए, वेदर इट इज जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जो भी रिलीजन है, पैगानिज्म, जो भी है, ये जिस जिस जगह पर आया है, ये जहां चाहे, कभी किताब को लेकर आया है, कभी किताब के बगैर आया है, कभी कल्चर को लेकर आया है, लेकिन इसका मेन एम्बिशन होता है दूसरे आदमी को अपना गुलाम बनाना, और दूसरे आदमी की जो पूरी आजादी है उस आजादी को खत्म करके उसको एक वफादार कुत्ता बनाना, जो स्टेज पर बैठे हुए जो भी उस जमाने का जो बादशाह होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, सीएम होगा, कारपोरेटर होगा, उसके खिलाफ एक भी शब्द ना बोले, उसका बोला हुआ हर बात को एक्सेप्ट करे। तो आपको ये तय करना है कि जो धर्म की जो पूरी हिस्ट्री है, जिसमें आपने बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े पादरी और बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े पंडितों के साथ देखा होगा, ये सारा जो गठजोड़ है, ये आपको और मुझे कुत्ता बनाना चाहता है, फिर भी आप उसको स्वीकार करते। तो सवाल पहला यही करना चाहिए, जब हम सोचने की आजादी है, जब आप अपने दिमाग के चैन को आजाद कर रहे हैं, तो सोचो तो सही कि तुम कौन, और अगर तुम इंसान तो तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारा अपना सच क्या है। ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे जैसा दिखने वाला एक आदमी तुम्हें कैटेगरीज में डिवाइड करे और तुम उसको एक्सेप्ट करो, वो तुमसे ये कहे कि तुम पैर हो, और तुमसे ये कहे कि तुम जन्नत में जाने वाले हो, तुमको 70 हूर देगा, और तुम इन सबको एक्सेप्ट करो और अपना को सरेंडर करो। पहला क्वेश्चन आदमी का यही होना चाहिए कि मैं कौन, मेरे अधिकार क्या है,
मेरी इज्जत क्या है, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं किस रंग के कपड़े पहनूंगा, ये जो सारा खेल है इसका अधिकार आपका अपना बेसिक ह्यूमन अधिकार है। और इस अधिकार से आपको दूर करने के लिए धर्म आया है। इस धर्म पर पहला सवाल एक सोचते हुए दिमाग को करना चाहिए और धर्म की पूरी राजनीति को समझना चाहिए। हर हर जगह दुनिया में हर जगह ये रहा है, और आपने देखा होगा वो सारी कंट्रीज जिन्होंने नेशनलिज्म और धर्म को एक बनाकर हुकूमत करने की कोशिश की है वो कंट्रीज तबाह और बर्बाद। पिछले 200 250 300 साल का जो इतिहास है यूरोप का, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी यूरोप का पास्ट और साउथ एशिया का फ्यूचर पर स्टडी करने के लिए। मैं 2019 में यूरोप में था, मैं जर्मनी में गया, पोलैंड में गया, फ्रांस में गया, ऑस्ट्रिया में गया, और मैंने सारी चेक रिपब्लिक में गया, और मैंने सारी कंट्रीज में जो 1930 और 1940 और 1920 में यूरोप में हुआ था मैंने उसकी स्टडी की है, और आप सबने इसकी स्टडी की होगी जिन्होंने जो प्रॉपर एजुकेशन जिनको मिला है। आजकल तो एजुकेशन में भी एक अलग तरह का एजुकेशन लाने की कोशिश हो रही है, ये सारी कोशिश इसलिए कि आप सवाल ना करें, आपको वो पास्ट पता ना चले जो पास्ट पिछले 100 वर्षों के अंदर ही बहुत ही भयानक, पूरा यूरोप जिस तरह से नेशनलिज्म के दलदल में चला गया था, और हिटलर और मुसोलिनी की आइडियोलॉजी ने कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम अपने मुल्क को सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क बनाएंगे, हम दुनिया पर राज कर सकते हैं, हम सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, ये जो मुसोलिनी और हिटलर का ख्वाब था, और इसमें इस ख्वाब को आगे लेके जाने के लिए उनको किसी ना किसी को अपना दुश्मन बनाना था। ये ख्वाब कभी भी बगैर दुश्मन के पूरा नहीं होता। सुपर पावर बनने का ख्वाब हमेशा आपको एक दुश्मन पैदा करने पर मजबूर करता है, जो हमने यूरोप की हिस्ट्री में देखा है। तो उन्होंने टारगेट किया यहूदियों को, अल्पसंख्यकों को, सेक्सुअल माइनॉरिटीज को, और सिंधी को जो वहां यहां से माइग्रेट होकर वहां पर गए थे और अलग एक ट्राइबल कम्युनिटी के तौर पर जी रहे थे, और लाखों लोगों को कत्ल किया ताकि एक सुप्रीम स्टेट बना सके। तो ये सामने की चीजें, और इसको 100 साल भी अभी नहीं हुए, और विद इन 100 ईयर्स हम दोबारा देख रहे हैं कि यूरोप ने जो भुगता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान इस तरफ जा रहा है, और यहाँ की माइनॉरिटीज को जो थ्रीट्स है, जो खतरा है, यानी पाकिस्तान के अंदर हिंदू है, सिख है, दूसरी कम्युनिटीज है, सिंधीज है, पारसीज है, अहमदीज है, विद इन मुस्लिम माइनॉरिटीज, शिया माइनॉरिटीज, हिंदुस्तान में मैं माइनॉरिटी हूँ, आप माइनॉरिटी हो, सब माइनॉरिटी है सिवाय उनके जो पावर में, लेकिन इसके बावजूद हम पे रूल करते। तो ये जो माइनॉरिटीज को थ्रीट है, ये पूरे दुनिया में दुनिया देख रही है कि इस रीजन का थ्रीट है। तो मेरा पूरा इस पर एक पूरा 800 पेजेस की इस पर बुक छपी है, जो दोनों कंट्रीज में छपी है, उस पर काफी डिस्कस हुआ है। तो कहने का मतलब है कि थ्रीट पावर के साथ आता है, पावर मजहब को अपना टूल बनाता है, अपना हथियार बनाता है, और फिर जब वो हथियार बनाता है तो वो सारी सिस्टम में जितने हिटलर ने किया है, हिटलर की पूरी 30 साल की हिस्ट्री देख लो, वो इलेक्शन को हाईजेक कर लेते हैं, वो पॉलिटिकली आते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, वो पुलिस फोर्स के साथ अपनी एक विंग बनाते हैं, मिलिट्री विंग बनाते हैं जो हिटलर ने बनाई थी, उसके बाद वो जुडिशरी में जो 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 जजेस उनके हम ख्याल नहीं होते उनको टारगेट कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं अपने जजेस, जुडिशरी को पूरे तरीके से हिटलर ने चेंज कर दिया था। उसके बाद सबसे पहला टारगेट जर्नलिस्ट और राइटर, जर्मन ने हिटलर ने अपने पावर को और अपने सारे जो क्रिटिक्स थे राइटर्स को और सबको टारगेट किया, सबको सबसे पहले जेल में डाल दिया, सबसे पहले कम्युनिस्टों को उसने चुन चुन के जो कम्युनिस्ट सिंपैथेटिक न्यूज़पेपर में एडिटर्स थे उनको टारगेट करके जेल में डाला, उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, मुल्क से गद्दारी और जो सारे दुनिया जानती है किसी भी तरह के इल्जाम में आप किसी भी तरह के लोगों को फंसा सकते हैं, वो सारा खेल हमने किया। और जब मैंने उसकी स्टडी थरोली की, मैं उन घरों में गया, उन लाइब्रेरीज में गया, उन म्यूजियम्स में गया जहां पर इन सारी यादों को उन्होंने बचा के रखा है, तो मुझे एहसास हुआ कि एक इंसान के तौर पे हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमको अपनी आंखें, अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और इस दुनिया को देखना चाहिए जिसके एक हिस्से में हम रह रहे हैं, जिसके दूसरे हिस्सों में क्या क्या होता आ रहा है, जो गलतियां दूसरों ने की अगर हम भी वही गलती कर रहे हैं तो मानव ने सीखा, इंसान ने सीखा क्या, आदमी ने सीखा क्या। और मुझे नहीं लगता कि इस नॉवेल में मैंने महाभारत की कुछ चीजें इस्तेमाल की है, महाभारत का एक बड़ा अजीब लेसन है जिसको शायद हम नहीं समझ पाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने किताब में लिखा है और इसी तरह बहुत सारे स्कॉलर्स ने ध्यान भी दिया है कि इतनी इंटरेस्टिंग किताब है, और मुझे लगता है कि दुनिया के बड़े लिटरेचर में से एक बड़ा लिटरेचर, इसको पढ़ना चाहिए अलग तरह से और डिटेल में पढ़ना चाहिए। अगर हमने महाभारत से सबक नहीं सीखा एज ए इंसान, तो हम दूसरी किसी भी किताब से सबक नहीं सीख सकते। और वो सबक है
कि आदमी किसी भी बहाने से अगर दूसरे आदमी को कत्ल करता है, उसके खिलाफ जंग करता है, उसको खत्म करना चाहता है, तो वो पछताता है और रोता है। तो महाभारत से हमको सीखना चाहिए कि विवाद का सॉल्यूशन वॉर नहीं है। बैठकर हम एक आदमी दूसरे आदमी को कत्ल करने का जो फैसला करता है, ये बहुत ही खतरनाक है। और ये सबक हमको सीखना चाहिए, इसलिए हमको प्यार और मोहब्बत बांटना चाहिए, जो सानी गुरु जी के कविता से हम सका था, जिसको हमने लेकर दिया। तो एक बेसिक सवाल कि हमारा मजहब इंसानियत है, इंसान बचेगा तो धर्म बचेगा, इंसान ही नहीं बचेगा तो धर्म भी क्या बचेगा। अब इतने सारे बम सबने एटॉमिक बम बना के रखे हैं, जापान पे बम गिरा था, आपने देखा क्या हुआ। अब जितने जापान पर बम बने थे उससे ज्यादा 100-100 बम सबने जमा कर रखे हैं, एक दूसरे पर बम मारोगे कोई नहीं बचेगा, ना गॉड बचेगा, ना ईश्वर बचेगा, ना ग्रंथ बचेगा, ना धर्म बचेगा, ना राजनीति। और मेरे नॉवेल में तो 2075 में तो मैंने ऐसा क्लाइमेक्स तो यही लाया कि ये दोनों जो पागल कंट्रीज है, जिनको दोनों को अपने मजहब की सुप्रीमेसी की तरह की गवर्नमेंट बनानी है, वो दोनों बाद में जाके क्लैश करते हैं और सारे साउथ एशिया के बड़े शहर खंडर पे तब्दील हो जाते हैं। तो हमको ये तय करना है, और हमको इस मुल्क को और इस पूरे रीजन को और इस पूरी दुनिया को, क्योंकि हर जगह का इंसान प्यार मोहब्बत और अमन सुकून से रहना चाहता है, तो वो धागे हमको बांधने हैं कहीं से अगर टूट गए हो तो। और हमको लोगों को करीब लाना है, जात मजहब धर्म ये बहुत छोटी चीजें हैं, इनसे बहुत ऊपर उठ के एक दूसरे को सीने से लगाना है और नफरत को कम करना है। हालांकि आजकल नफरत करने वाले को ही पैसा मिल रहा है और टिकट मिल रहा है और पार्टी का सारा उसका ही हो रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में भी मुझे लगता है एज अ राइटर, एज अ एक्टिविस्ट, एज अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाला, एज अ गौतम बुद्ध से मोहब्बत करने वाला, एज अपने मिट्टी, अपनी जबान, अपनी कोंकणी और अपनी नदियों से प्यार करने वाले इंसान के तौर पर, मुझे लगता है कि हमको इंसानियत के लिए खड़ा होना है और एक दूसरे को गले लगाकर आगे चलना है।